अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं आप लोगों के ट्वेल्थ क्लास की कहकशा बुक का चैप्टर नंबर 4। क्या नाम है इसका? इंशाइया क्या है। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 का नाम, इंशाइया क्या है। और ये जो चैप्टर है ये एक मजमून है, यानी कि ऐसे है, निबंध है, ठीक है। और ये मजमून यानी कि ऐसे किस पर लिखा गया है? तो इंशाइया पर लिखा गया है। इस मजमून में यही बताया गया है कि इंशाइया किसे कहते हैं, क्या है इंशाइया और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अच्छे इंशाइया के लिए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है एक मजमून है, याद रखिएगा। आप इसको इंशाइया नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर मैं शायरी पर एक मजमून लिखी, मान लीजिए मेरा बोर्ड है और मैं शायरी पर मजमून लिख दी कि शायरी क्या है, किसे कहते हैं और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं अच्छी शायरी लिखने के लिए। शायरी पर मैं लंबा चौड़ा मजमून लिख दी, ऐसे लिख दी और उसका टाइटल दे दी शायरी क्या है, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों से पूछी कि बताइए ये जो मैं लिखी हूँ ये शायरी है कि मजमून है, तो आप लोग बोलेंगे कि ये मजमून है। क्यों? क्योंकि शायरी पर मजमून लिखा गया है, इसमें ये बताया गया है कि शायरी क्या है, किसे कहते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो शायरी के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखी हूँ मैं? शायरी पर मजमून लिखी हूँ, लेकिन आप इसको शायरी नहीं बोल सकते हैं, भले ही टाइटल है शायरी क्या है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? एक मजमून है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 4 है इसका भले ही टाइटल है इंशाइया क्या है, लेकिन ये क्या है? मजमून है, जो कि इंशाइया पर लिखा गया है। आप इस चैप्टर को इंशाइया नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और सारी बातें हम लोग इंशाइया के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इंशाइया किसे कहते हैं, लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर के राइटर के बारे में समझ लेते हैं। ये जो इंशाइया क्या है, इस चैप्टर के मुसन्निफ़ यानी कि राइटर है वज़ीर आगा, ठीक है। क्या नाम है? वज़ीर आगा। अब ज़रा इनके बारे में समझिए। इनकी पैदाइश यानी कि इनका जन्म हुआ है 1922 ईस्वी में पाकिस्तान केसरगोदा के वज़ीरकोट में, ठीक है। वज़ीरकोट में हुआ था, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? वज़ीर आगा, ठीक है। उनका ताल्लुक, वज़ीर आगा का ताल्लुक तनकीदी इंशाइया और नज़्म निगारी के सिंफ से है, यानी कि वज़ीर आगा जो है ना वो एक तनकीद निगार भी है। तनकीद किसे कहते हैं? मैं आप लोग को ऑलरेडी बार बार बताई हूँ कि सही और गलत की जांच परख करना ही तनकीद कहलाता है, और जो ये सारी चीज़ें सही और गलत की जांच परख कर कर लिखता है उसको तनकीद निगार कहते हैं, ठीक है। तो वज़ीर आगा जो है वो एक तनकीद निगार हैं, इंशाइया निगार भी है, वो इंशाइया भी लिखते हैं और नज़्म निगार भी है, वो नज़्म भी लिखा करते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें याद रखिए। अब आगे बढ़िए। वज़ीर आगा की कुछ किताबों के नाम दिए हैं आप लोगों के बुक में, जैसे कि देखिए उर्दू अदब में तंज और मज़ा, ये उनका एक किताब है। उर्दू शायरी का मजाज, ये भी उनका क्या है? एक किताब है। नज़्म जदीद की करवटें, तख्लीकी अमल, ये सारी क्या है? वज़ीर आगा की लिखी हुई किताब है, बुक्स है, ठीक है। उनकी तनकीदी मजमूए भी है, यानी कि तनकीदी किताब भी है जिसमें उन्होंने तनकीद को टॉपिक बनाया है, ठीक है। तो तनकीद और एहतसाब, नए तनाजिर, मानी और तनाजिर, ये सब क्या है? तनकीदी मजमूए हैं वज़ीर आगा की, ठीक है। अब देखिए उनकी मशहूर तवील नज़्म भी है, यानी कि मशहूर फेमस जो नज़्म पोएम है, जो लंबा लंबा पोएम होता है, वो उनका फेमस क्या है? नज़्म आधी सदी के बाद, ये इनका फेमस नज़्म है, ठीक है। और वज़ीर आगा के इंशाइयों के मजमू, उन्होंने इंशाइया के किताब भी लिखी है, इंशाइया का किताब भी उन्होंने लिखा है। क्या नाम है? चोरी से यारी तक, और दूसरा है दूसरा किनारा, ठीक है। ये दोनों किताब है इंशाइया का, जो कि वज़ीर आगा ने लिखा है। तो ये हो गया वज़ीर आगा के बारे में कुछ डिटेल्स, जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। अब यहाँ तक ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग चैप्टर को अब समझेंगे कि आखिर में इंशाइया किसे कहते हैं, ठीक है। तो लीजिए, अब चलिए ज़रा समझ लेते हैं इस चैप्टर को कि इंशाइया किसे कहते हैं, क्या है इंशाइया और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो इंशाइया के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंशाइया जो है वो एक नसरी सिंफ है, ठीक है, यानी कि इंशाइया नसर की एक कैटेगरी है, ठीक है। और जितने भी होते हैं, खाका आप लोग पढ़े, खाका मजमून, दास्तान, अफसाना, ख़त और ये इंशाइया, ये जितने भी होते हैं ये नसर की कैटेगरी में आते हैं। और गज़ल,
नज़्म, मर्सिया, ये जितने भी होते हैं ये शायरी की कैटेगरी में आते हैं। और ये सारी चीज़ें ना मैं बता चुकी हूँ जब मैं फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी 12th क्लास का, फ़र्स्ट प्रोमो के नाम से, वहाँ पर मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी हूँ। और अगर वो आप लोग वीडियो देखे हैं ना तो आप लोगों को ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, ये समझ ही जाएंगे एक बार में देख कर, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है, आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। इसी चैनल के प्ले लिस्ट में है, क्लास 12th उर्दू के नाम से, फ़र्स्ट वीडियो देखिएगा, लिखा होगा फ़र्स्ट प्रोमो, तो हर एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। और नहीं तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, गज़ल को शायरी की तरह लिखा जाता है, नज़्म को भी शायरी की तरह लिखा जाता है, और मर्सिया को भी शायरी की तरह लिखा जाता है। तो गज़ल, मर्सिया और नज़्म, इन सभी को हिस्सा शायरी में रख दिया जाता है, ठीक है। और ये जितने भी होते हैं, खाका, मज़मून या फिर इंशाइया, अफसाना, ख़त, ये आम बोलचाल की तरह लिखा जाता है। और इसीलिए इन सभी कैटेगरीज़ को किस में रख दिया जाता है, हिस्सा नसर के कैटेगरी में रख दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो इंशाइया है ये आम बोलचाल की तरह लिखा जाता है, इसीलिए इसको किस में रख दिया गया है, हिस्सा नसर में, ठीक है। अब समझ में आ गया कि जो जो शायरी की तरह लिखा जाएगा उसको हिस्सा शायरी में, और जो आम बोलचाल की तरह लिखा जाएगा, ठीक है, उसको हिस्सा नसर में रख देना है, ठीक है। तो इंशाइया आम बोलचाल की तरह लिखी जाती है, तो इसको हिस्सा नसर में रख दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए। गैर रस्मी तरीक़ेकार इंशाइया को दूसरी असनाफी अदब से मुमैज़ करती है, यानी कि जो इंशाइया का लिखने का तरीक़ा है, गैर रस्मी तरीक़ेकार यानी कि जो इंशाइया का लिखने का तरीक़ा है, वही तरीक़ा दूसरे कैटेगरी से, दूसरे असनाफ से क्या कर देती है, इंशाइया को अलग कर देती है। यानी कि इंशाइया का लिखने का तरीक़ा अलग है, जैसे कि ख़त लिखते हैं, अफसाना लिखते हैं, मज़मून लिखते हैं, खाका लिखते हैं, दास्तान लिखते हैं, तो उससे बिल्कुल अलग हटकर इंशाइया लिखा जाता है। और इसीलिए ये जो इंशाइया है ये अलग हो गया है, ठीक है। मतलब ख़त से भी और दास्तान से भी, अफसाना से भी, इन सभी से अलग है इंशाइया, क्योंकि इसके लिखने का तरीक़ा अलग है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। इंशाइया के लिखने का तरीका अलग है, भले ही अब यहाँ पर समझिए कि इंशाइया किसे कहते हैं। इंशाइया बिल्कुल मज़मून ही की तरह लिखा जाता है, लेकिन आप इसको मज़मून नहीं बोल सकते हैं। इंशाइया को मज़मून की तरह ही लिखा जाता है, लेकिन आप इंशाइया को मज़मून नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सुनिए, मज़मून में अगर कोई टॉपिक पर अगर मज़मून लिख रहे हैं, मान लीजिए कलम, कलम पर अगर आप लोग मज़मून लिख रहे हैं, तो आप कलम के बारे में पूरी जानकारी देती हैं, सिर हासिल बहस की जाती है कलम के बारे में, और पूरी जानकारी मज़मून में लिख दी जाती है कि कलम के फ़वाद क्या हैं, कलम की कौन कौन सी मतलब ये किससे मिलकर बना है, हर एक एक चीज़ कलम के बारे में आप लोग लिख देते हैं मज़मून में। लेकिन इंशाइया पता है मज़मून ही की तरह लिखा जाता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट होता है। क्या ट्विस्ट होता है कि इंशाइया में जो जिस भी टॉपिक पर अगर आप इंशाइया लिख रहे हैं, जैसे कि कलम पर ही इंशाइया लिख रहे हैं, तो कलम पर आप लिखिए ठीक है, लेकिन इस कलम को छोड़कर आप किसी और चीज़ के बारे में भी बात कर सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, आसमान, ज़मीन, किसी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन उन सभी चीज़ के बारे में बात करने के बाद फिर से आपको कलम पर ही आना पड़ेगा, कलम के टॉपिक पर ही आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप ज़मीन पर चल रहे हैं, तो ज़मीन पर चलिए ठीक है, आपको उड़ने की इजाज़त है, उड़िए, लेकिन उड़कर फिर नीचे ज़मीन पर ही आना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। कलम के बारे में अगर आप इंशाइया लिख रहे हैं तो कलम के बारे में लिखिए, आपको किसी और के बारे में बात करने की इजाज़त है, आप कुत्ते, बिल्ली, घर, जिसके बारे में आप लोग बात करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन फिर वापस लौटकर आप लोगों को कलम के टॉपिक पर ही आना पड़ेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इंशाइया में होती है, इंशाइया में ताजगी होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंशाइया में ताजगी नहीं रही ना, तो वो इंशाइया कहलाने के लायक ही नहीं, समझ रहे हैं। इंशाइया में ताजगी का मतलब समझिए ताज़ा, जैसे कि आप लोग ताज़ा खाना खाना पसंद करते हैं ना, ताज़ा भोजन खाना पसंद करते हैं आप लोग, वही दो दिन का बासी खाना दे दिया जाएगा तो आप लोग खाएंगे नहीं, हर एक एक चीज़ ताज़ा चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह इंशाइया में ताजगी होना ज़रूरी है, मतलब इंशाइया में वैसी चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती है जो इंसान को पहले से ही मालूम है, मतलब कारी को पहले से ही मालूम है, मतलब इंशाइया में ऐसी चीज़ें नहीं लिखी जाती है कि वो पढ़ने वालों को पहले ही से मालूम है। जैसे कलम के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन कलम के बारे में कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो कि कोई नहीं जानता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसमें ताजगी है, इंशाइया में ताजगी है। फूल के बारे में लिख रहे हैं इंशाइया, तो फूल के बारे में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताइए जो कि लोगों को नहीं मालूम है, और उसके बाद उसको पढ़ने वाला, उस इंशाइया को पढ़ने वाला एक तरह से ताजगी महसूस करे, खुशगवार ताजगी,
ठीक है, तब उसको बोला जाएगा कि हाँ बहुत अच्छा इंशाइया है। ठीक है, तो इंशाइया में ताजगी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन उन पॉइंट को मतलब इंशाइया लिखने वाला जो होता है ना, उन पॉइंट्स को मतलब उजागर कर देता है जो कि लोग नहीं जानते हैं। फूल के बारे में सभी लोग जानते हैं कि हाँ फूल है, उसकी खुशबू है, लेकिन इंशाइया निगार जो होता है ना, वो फूल की ऐसी कीफियत को मतलब जाहिर कर देता है, फूल की ऐसी खूबी को मतलब जाहिर करता है जो कि लोग पहले से नहीं जानते हैं, नई बात हो पढ़ने वालों के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंशाइया में ताजगी ज़रूरी होता है। ठीक है, और उसके बाद से इंशाइया का खालिक जो होता है, यानी कि इंशाइया का लिखने वाला जो होता है, उस शख्स की तरह होता है जो, यहाँ पर जो भूल मतलब लिखना भूल गई हूँ, जो दफ्तर से छुट्टी के बाद घर पहुँच कर चुस्त सा लिबास उतार कर ढीले ढाड़े कपड़े पहन लेता है। यानी कि इंशाइया जो लिखने वाला होता है, इंशाइया निगार जो होता है, वो उस इंसान की तरह होता है, वो शख्स की तरह होता है जो अपने काम से छुट्टी के बाद घर पर आता है और घर पर आकर चुस्त सा लिबास, कोट पैंट उतार कर ढीला ढाला कपड़ा पहनकर पहन लेता है। उस इंसान की तरह इंशाइया निगार होता है, मतलब इंशाइया लिखने वाला होता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तंज व मज़ाह इंशाइया की इसनाफी खूबी है, यानी कि इंशाइया में तंज व मज़ाह भी होना चाहिए, कमेंट्स होना चाहिए, और उसमें एक तरह से हंसी मजाक होनी चाहिए जिसको पढ़ कर हंसी आए। ठीक है, मतलब एक तरह से खुशगवार ताजगी होनी चाहिए, पढ़कर दिल खुश हो जाए इंशाइया को। ठीक है, इस तरह से मतलब इंशाइया को लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अदम तकमील इंशाइया की इम्तियाजी खसूसियत है। ठीक है, अदम तकमील यानी कि अधूरापन। इंशाइया का एंड ऐसे किया जाता है कि कहानी को अधूरा छोड़ दिया जाए। ठीक है, जैसे कि देखते हैं आप लोग कोई फिल्म देखते हैं कि लास्ट में कहानी का एंड ही नहीं मालूम चलता है, आगे अब अपने से अनुमान लगाना पड़ता है कि आगे क्या हुआ होगा, बिल्कुल उसी तरह इस इंशाइया को भी उसी तरह लिखा जाता है। ऐसे लास्ट में ले जाकर एंड किया जाता है कि जो पढ़ने वाला है वो खुद सोचे कि आगे क्या हुआ, और हर इंसान अपने अलग अलग अनुमान लगाए कि इसके बाद ये हुआ होगा। कोई पढ़े तो वो अलग ही अनुमान लगाए कि मतलब लास्ट में ये हुआ होगा, मतलब इसको अधूरा लास्ट में ले जाकर छोड़ दिया जाता है, और वो पढ़ने वाला खुद से अनुमान लगाता है कि आगे क्या हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इंशाइया की एक मज़ीद खूबी इख्तसार है, यानी कि इंशाइया को शॉर्ट कट में लिखा जाता है, छोटा कर कर लिखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इंशाइया लिखने वाले के पास लफ्ज़ की कमी है, वो बड़ा नहीं लिख सकता, बिल्कुल वो बड़ा लिख सकता है, लेकिन इसकी खूबी है इंशाइया की कि इसको छोटा ही लिखा जाता है ताकि जो कारी है, पढ़ने वाला है, उसके दिल पर बोझ ना महसूस हो और मतलब लंबा ना हो जाए, इसको छोटा ही कर कर शॉर्ट कट में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का इंशाइया। ये जितनी भी खूबी मैं आप लोगों को बताई, ये इंशाइया में पाई जाती है, और सबसे मेन सबसे इम्पोर्टेंट खूबी होती है ताजगी, नयापन इंशाइया में दिखना चाहिए। उस चीज़ के बारे में बताइए जो लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का इंशाइया, समझ में आ गया। अब पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। लीजिए, अब चलिए जरा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को समझ लेते हैं। मैं हाथ में बुक ले ली हूँ और स्टार्ट होता है क्वेश्चन आप बताए से, यानी कि आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि इंशाइया शेरी सिंफ है या नसरी सिंफ। तो इंशाइया जो है वो नसरी सिंफ है। ठीक है, दूसरा सवाल है क्या इंशाइये को दूसरी असनाफ अदब से उसका गैर रस्मी तरीक़ेकार ममैस करता है। तो जो बिल्कुल उसका गैर रस्मी तरीक़ेकार ही इंशाइया को दूसरी असनाफ अदब से ममैस करता है। ठीक है, अलग करता है। तीसरा सवाल है वज़ीर आगा का ताल्लुक किन किन अदबी असनाफ से है, तीन के नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वज़ीर आगा जो है वो क्या क्या लिखते हैं। तो एक तो वो तनकीद लिखते हैं, तनकीद निगार है, मैं शुरू में ही लिखी थी, वो तनकीद निगार हैं और नज़्म निगार भी हैं क्योंकि नज़्म भी लिखा करते हैं, और इंशाइया निगार भी है क्योंकि वो इंशाइया भी लिखा करते हैं। तो नज़्म, तनकीद और इंशाइया, तीन तो हो गया, लिख दीजिएगा। चार नंबर सवाल है क्या इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी है। तो जी बिल्कुल। पाँच नंबर सवाल है इंशाइये की इम्तियाजी सूरत किसकी रहीन मिन्नत है। तो वो है खुशगवार ताजगी की, खुशगवार ताजगी की रहीन मिन्नत है इंशाइया की इम्तियाजी सूरत। छः नंबर सवाल है वज़ीर आगा की तीन किताबों के नाम लिखिए। वज़ीर आगा का कोई तीन किताब का नाम दे देना है। अभी तो मैं बोर्ड मिटा दी हूँ, लेकिन मैं शुरू में ही लिखी थी वज़ीर आगा का तीन, बहुत सारा किताब का नाम लिखी थी, उसमें से कोई तीन किताब का नाम दे दीजिएगा। ठीक है, सात नंबर सवाल है क्या इंशाइया सगुफ्ता मोड़ की पैदावार है। तो जी बिल्कुल, हाँ। ठीक है, आठ नंबर सवाल है क्या इंशाइया दूसरी असनाफ से अपने इख्तसार के बास अलहदा नज़र आती है। तो बिल्कुल,
इंशाइया जो है वो दूसरी कैटेगरी से, ख़त से, दास्तान से, अफसाना से अलग नज़र आती है। तो ये हो गया आंसर। अब बात आती है मुख्तसर गुफ्तगू की, लघुतरिया प्रश्न की। सबसे पहला सवाल है, इंशाइया और मज़मून में क्या फ़र्क है? यहाँ पर आप लोगों को इंशाइया और मज़मून दोनों में फ़र्क बताना है। तो वैसे तो मैं उस वक्त से इंशाइया के बारे में ही बता रही हूँ, इंशाइया किसे कहते हैं। तो इंशाइया और मज़मून में फ़र्क बता दीजिएगा। इंशाइया मज़मून ही की तरह लिखा जाता है, लेकिन आप इंशाइया को मज़मून नहीं बोल सकते। इंशाइया में खुशगवार ताजगी होता है, तंज व मज़ा होता है, अदम तकमील होता है, उसमें इख्तसार होता है। ठीक है, हर एक चीज़ में जो आप लोगों को इंशाइया के बारे में बताई उसके हिसाब से इंशाइया और मज़मून में फ़र्क बता दीजिएगा। दूसरा सवाल देखिए, इंशाइया निगार को दौरान तख्लीक कैसी आज़ादी मैसर होती है, यानी कि इंशाइया लिखने वाले को कौन कौन सी आज़ादी जो है मिली होती है। तो सबसे पहले तो उसको तंज व मज़ा उसमें डालना होता है इंशाइया में। दूसरी चीज़ होती है कि वो अपने मौजू को, अपने टॉपिक को छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाने की इजाज़त है उसको, इंशाइया निगार को, लेकिन दूसरे टॉपिक की बात करते करते फिर से उसे अपने ही टॉपिक पर आना पड़ता है जिस टॉपिक पर वो इंशाइया लिख रहा है। ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल है, इंशाइया का खालिक किस शख्स की तरह होता है? तो इंशाइया का जो खालिक होता है वो उस शख्स की तरह होता है जो दफ्तर से छुट्टी के बाद घर पहुंचकर चुस्त सा लिबास उतार कर ढीले ढाले कपड़े पहन लेता है। ठीक है, चार नंबर सवाल है, इंशाइया में अदम तकमील ऐब है या हुनर, वाजी कीजिए। तो इंशाइया में अदम तकमील जो है वो हुनर है, क्योंकि इंशाइया में अदम तकमील होना चाहिए और ज़रूरी भी है, इसको लास्ट में अधूरा छोड़ना भी चाहिए, एक कॉमिक पॉइंट लगता है यहाँ पर। ठीक है, अब पांच नंबर सवाल है, वह मरकज़ी नुक्ता क्या है जिस पर इंशाइया निगार हर बार ज़रूर लौटता है? वह मरकज़ी नुक्ता, वह मरकज़ी पॉइंट क्या है जिस पर इंशाइया लिखने वाला जो होता है वो बार बार लौटता है? ठीक है, तो वो है उसका उनवान, टाइटल, जिस टॉपिक पर वो लिख रहा है उस टॉपिक पर उसको बार बार लौटना पड़ता है, क्योंकि भले ही वो दूसरी जगह की बात करे लेकिन बार बार उसको अपने पॉइंट पर आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया उनवान। अब बात आती है तफसीली गुफ्तगू की, जिसमें आप लोगों को लंबा चौड़ा आंसर लिखना होता है। सबसे पहला सवाल है, वज़ीर आगा ने इंशाइया के लिए किन बातों को ज़रूरी करार दिया है, यानी कि जो मुसन्निफ़ है वज़ीर आगा, उन्होंने इंशाइया के लिए कौन कौन से ज़रूरी बातें बताई हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो उस वक्त से मैं इंशाइया की ज़रूरी बातें ही बता रही हूँ इतने समय से, तो ये जितनी भी चीज़ें मैं बोर्ड पर लिखी हूँ ये सारी चीज़ें इंशाइया के लिए ज़रूरी हैं जो कि वज़ीर आगा ने बताया है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट को आप लोग लिख देंगे और अपने से कुछ जोड़कर 10-15 सेंटेंस में लिख देना है। दूसरा सवाल है, इंशाइया में ताजगी से क्या मुराद है या कैसे इंशाइया का अहम अंसुर बनता है, यानी कि इंशाइया में ताजगी से क्या मुराद है, क्यों ज़रूरी होता है और ये ताजगी इंशाइया में क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को बताना है। तो ताजगी क्यों ज़रूरी है ये उस वक्त से मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ इंशाइया में, तो आप लोग खुद से लंबा चौड़ा कर लिख लीजिएगा। तीसरा और लास्ट सवाल है कि इंशाइया में मज़ाह की क्या अहमियत है, वाजह कीजिए। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इंशाइया में मज़ाह की क्या अहमियत है, इसको वाजह करना है। ठीक है, इंशाइया में मज़ाह यानी कि हंसी मज़ाक ज़रूरी होता है ताकि जो पढ़ने वाला है, कारी है, उसको पढ़ कर हंसी और उसके दिल पर एक तरीके से बोझ महसूस ना हो। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, उसको जोड़ जाड़ कर आप लोग लंबा चौड़ा 10-15 सेंटेंस में लिख लीजिएगा। और इसी के साथ आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 4 है वो क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट होता है। कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता है, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने पड़ोसियों के पास, अपने दोस्तों के पास। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।